दोस्तों, एक टाइम था जब हम सिर्फ मोबाइल बात करने के लिए यूज करते थे, लेकिन अब टाइम बदल चुका है, मोबाइल्स भी काफी अपग्रेड हो चुका है एंड आज हम मोबाइल बात करने के अलावा बहुत सारे कामों में यूज करते हैं, जैसे फोटोग्राफी, गेमिंग या फिर यूट्यूब में अपना चैनल बनाना। एंड अक्सर मेरे सब्सक्राइबर्स भाई बंधु पूछते हैं, भाई पबजी खेलने के लिए कोई अच्छा सा मोबाइल बताओ जो बजट फ्रेंडली भी हो एंड गेम भी एकदम स्मूथ मक्खन जैसा चले। इसलिए आज इस वीडियो पे मैं आप सबके लिए 15,000 के नीचे ऐसे 5 बेहतरीन मोबाइल्स की लिस्ट लाया हूँ जहाँ पबजी सिर्फ चलेगा नहीं दौड़ेगा। जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड ये वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक कर देना। हाय, आई एम T2 एंड आप देख रहे हैं कूल एंड टेक यूट्यूब चैनल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मेरे लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर मैंने रखा है Redmi Note 7 Pro को, जो रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुआ है। इस फोन में आपको मिल जाता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675 ऑक्टोकोर प्रोसेसर, जो 14 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर है एंड जीपीयू मिलता है Adreno 612, जो 15,000 के नीचे बजट में काफी पावरफुल प्रोसेसर है। Redmi Note 7 Pro में आपको पबजी खेलने में काफी मजा आएगा। इसके अलावा आपको इस फोन में मिल जाता है 6.3 इंच का 19:5:9 फुल एचडी प्लस डिस्प्ले, प्रीमियम ग्लास बैक डिजाइन, 48+5 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा सेटअप जो सोनी IMX586 सेंसर के साथ आता है, 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा एंड 4000 mAh का बैटरी बैकअप जो फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड है। Redmi Note 7 Pro 4GB RAM वेरिएंट के लिए आपको पे करना होगा 13999 एंड 6GB RAM वेरिएंट के लिए 16999। आप अगर 15,000 के नीचे ऐसा कोई एक स्मार्टफोन ढूंढ रहे थे जहां परफॉर्मेंस के साथ कमल का कैमरास भी मिल जाए, तो आपको Redmi Note 7 Pro लेना चाहिए। लिस्ट में सेकंड पोजीशन पर मैंने रखा है Redmi Note 7 Pro का ही छोटा भाई Redmi Note 7 को। इसमें आपको मिल जाता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 ऑक्टोकोर प्रोसेसर, जो 14 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर है एंड जीपीयू मिलता है Adreno 512। ये प्रोसेसर भी काफी पावरफुल प्रोसेसर है एंड इस फोन में भी पबजी मक्खन जैसा चलेगा। Redmi Note 7 में आपको 12+2 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, बाकी सब कुछ Note 7 Pro जैसा ही है। Redmi Note 7 3GB RAM वेरिएंट का प्राइस इंडिया में रखा गया है 9999 एंड 4GB RAM वेरिएंट का प्राइस रखा गया है 11999। आपका बजट अगर 10,000 से 12,000 तक है तो आप एक बार जरूर Redmi Note 7 को चेक कर सकते हो। लिस्ट में थर्ड पोजीशन पर मैंने रखा है Realme U1 को, क्योंकि आपको इस फोन में मिल जाता है MediaTek Helio P70 ऑक्टोकोर प्रोसेसर, जो 12 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर है एंड GPU मिलता है Mali G72 MP3। Helio P70 भी पबजी खेलने के लिए काफी अच्छा प्रोसेसर है। बाकी आपको इस फोन में मिल जाता है 6.3 इंच का 19:5:9 फुल एचडी प्लस डिस्प्ले, 13+2 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा सेटअप, 25 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा जो सोनी IMX576 सेंसर के साथ आता है एंड 3500 mAh का बैटरी बैकअप। Realme U1 3GB RAM वेरिएंट के लिए आपको पे करना होगा 10999 एंड 4GB RAM वेरिएंट के लिए 13499। आपको अगर परफॉर्मेंस के साथ अच्छे सेल्फीज भी चाहिए तो आप Realme U1 ले सकते हो। लिस्ट में चार नंबर पर मैंने यहाँ पर दो स्मार्टफोन्स को रखा है, Honor 8X एंड Honor 10 Lite। दोनों फोन्स में ही आपको HiSilicon Kirin 710 ऑक्टोकोर प्रोसेसर मिल जाता है, जो 12 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर है एंड GPU मिलता है Mali G51 MP4। Kirin 710 भी पबजी खेलने के लिए काफी अच्छा प्रोसेसर है। Honor 8X पे आपको मिल जाएगा 6.5 इंच का 19:9 फुल एचडी प्लस डिस्प्ले, 20+2 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा सेटअप,
16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा एंड 3750 mAh का बैटरी बैकअप एंड इस फोन में आपको प्रीमियम ग्लास बैक डिजाइन मिल जाएगा। ऑनर रेटिक्स 4GB रैम के लिए आपको पे करना होगा 14,499, 6GB प्लस 64GB वेरियंट के लिए 16,499 एंड 6GB प्लस 128GB वेरियंट के लिए 18,999 एंड टोनर 10 लाइट पे आपको मिल जाएगा 6.21 इंच का 19:5:9 फुल एचडी प्लस डिस्प्ले, 13+2 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा सेटअप, 24 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा एंड 3400 mAh का बैटरी बैकअप। ऑनर 10 लाइट 4GB रैम वेरिएंट का प्राइस इंडिया में रखा गया 13,999 एंड 6GB रैम वेरिएंट का प्राइस रखा गया 17,999। आपको अगर Huawei ऑनर की फोन्स पसंद आता है तो आप इन दोनों में से कोई भी एक फोन को ले सकते हो, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन रहेगा ऑनर 8X। लिस्ट में लास्ट एंड पांच नंबर पर मैंने रखा है Zenfone Max Pro M2 को, क्योंकि आपको इस फोन में मिल जाता है अंडरक्लॉक स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर एंड GPU मिलता है Adreno 512। Max Pro M2 स्टॉक एंड्रॉइड बेस्ड स्मार्टफोन है, इसलिए आपको इस फोन में काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इस फोन में मिल जाता है 6.26 इंच का 19:9 फुल एचडी प्लस डिस्प्ले जो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 से प्रोटेक्टेड है, 12+5 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा सेटअप जो सोनी IMX 486 सेंसर के साथ आता है, 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा एंड 5000 mAh का ह्यूज बैटरी बैकअप। Max Pro M2 3GB रैम वेरिएंट के लिए आपको पे करना होगा 9,999, 4GB रैम वेरिएंट के लिए 11,999 एंड 6GB रैम वेरिएंट के लिए 13,999। आपको अगर प्योर स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस पसंद आता है, 9,000 से 13,000 के बीच ऐसा कोई एक स्मार्टफोन ढूंढ रहे थे जहाँ डिसेंट परफॉर्मेंस एंड कैमरास के साथ ह्यूज बैटरी बैकअप मिल जाए, तो आप एक बार Max Pro M2 को जरूर चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थे 15,000 के नीचे टॉप 5 स्मार्टफोन्स की लिस्ट जो पबजी खेलने के लिए आप यूज कर सकते हो। मैंने इस लिस्ट में Realme 2 Pro को नहीं रखा है, क्योंकि अप्रैल में Realme 3 Pro आएगा जिसमें शायद Snapdragon 675 या फिर 710 मिलेगा एंड ये भी 15,000 के नीचे एक बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन होने वाला है। एंड इस लिस्ट में मैंने Samsung Galaxy N20 एंड M30 को भी नहीं रखा है, क्योंकि Exynos 7904 प्रोसेसर पबजी खेलने के लिए अच्छा प्रोसेसर नहीं है। एंड ये लिस्ट बनाने के बाद मैंने देखा अभी 15,000 के नीचे Honor Play 4GB RAM वेरिएंट मिल रहा है, जिसमें आपको मिलता है Kirin 970 फ्लैगशिप प्रोसेसर जो 10 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है एंड GPU मिलता है Mali G72 MP12। इसके अलावा आपको इस फोन में 6.3 इंच का 19:9 फुल एचडी प्लस डिस्प्ले, 16+2 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा सेटअप, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा एंड 3750 mAh का बैटरी बैकअप मिलता है। एंड अभी आपको Honor Play 4GB RAM वेरिएंट मिल जाएगा 14,999 में। आप अगर एक हार्डकोर गेमर हो तो आप Honor Play को एक बार जरूर चेक कर सकते हो एंड आप इस फोन में पबजी के साथ फोर्टनाइट भी खेल पाओगे। बाकी आप सबको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना एंड साथ में ये भी बताना पबजी खेलने के लिए आप कौन सा स्मार्टफोन यूज करते हो एंड अभी तक आप कितने चिकन डिनर जीत चुके हो। प्लस इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलना एंड इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, साथ में बेल आइकन को भी दबा देना जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।